पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच आज मुलाकात। सीपीसी, आतंकवाद, एनएसजी और सीमा विवाद पर हो सकती है बात। डेढ़ महीने के भीतर है दूसरी बार मुलाकात। सीएम योगी के प्रमुख सचिव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले अभिषेक गुप्ता पर मुख्य सचिव ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। जमीन न देने के फैसले को ठहराया सही, माफीनामे के बाद छूटा अभिषेक। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, साल 2022 तक 1,00,000 ओबीसी युवाओं को देंगे रोजगार। पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 दिन में सबसे बड़ी कटौती, पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान एम्स हुआ ओवरलोड, दिल के ऑपरेशन के लिए मिली 5 साल बाद की तारीख।